हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जो मेरी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आप लोगों ने इतना क्वेश्चन पूछा है कि मेरा कमेंट सेक्शन कम्प्लीटली भरा हुआ है इस चीज़ से कि मैडम आप कौन सी जॉब ज्वाइन करोगे, मैडम आप कौन सी जॉब ज्वाइन करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बात चल रही है, तो ये चीज चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। उसके साथ मैंने एसएससी सीजीएल 2020 को क्लियर किया है, जिसके अंदर मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है। तो अब जो कन्फ्यूजन था सब लोगों के अंदर, वो ये था कि मैडम आप दिल्ली पुलिस को छोड़ दोगे या फिर आप पीओ को छोड़ दोगे, कौन सी वाली जॉब को आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि दो नौकरियां दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत एफर्ट मार के नौकरी ली है, पीओ है उसके लिए भी बहुत एफर्ट लगे हैं, तो आप कौन सी जॉब को ज्वाइन करना पसंद करोगे, क्या करना पसंद करोगे। तो फिर मैंने इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को काफी दिन से अवॉइड किया था। मेरे को यही लग रहा था कि मैं एक वीडियो बना के थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो ना रहे। तो उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, उसी सीरीज के अंदर आपकी। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर मेरे पास दो जॉब्स हैं, आप देख सकते हो मैंने आपको बताया ही। अब उन दोनों जॉब्स में से मुझे एक को चूज करना है, तो लेकिन अगर मुझे एक को चूज करना है या मुझे दोनों को चूज करना है, वो दोनों में चूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक जॉब को ज्वाइन नहीं करूंगी तो जो दूसरी सीट है वो किसी और बच्चे को मिल जाएगी, क्योंकि वो सीट मुझे अलॉट हो चुकी है। तो वो सीट अभी किसी दूसरे बच्चे को नहीं मिल सकती अगर मैं एक जॉब को छोड़ भी देती हूँ। तो ये तो हो चुका है कि दोनों सीट मेरे लिए रिजर्व है वो। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं एक जॉब को ज्वाइन करती हूँ तो दूसरी तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। और ये सिचुएशन आई क्यों, क्योंकि ये इस वजह से आई जब मेरा सीपीओ का डीवी हो रहा था, तो मेरा सीजीएल का कुछ भी कंफर्म नहीं था कि मुझे क्या मिल जाएगी। इवन उस टाइम तक तो मेरा मेंस भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप भी रिस्क नहीं ले सकते हो ना, कि आप सीजीएल के भरोसे आप अपनी सीपीओ की डीवी मिस कर दो। तो वो तो डीवी मुझे करवानी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने वो डीवी करवाई। उसके बाद फिर मैंने सीजीएल के ऊपर इतने वो एग्जाम होने के बाद भी मेहनत की थी, और एक बेटर पोस्ट अगर उसके अंदर मिल सकती थी तो मुझे उसके लिए भी फिर डीवी करवाना था। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी डीवी करवाई कि हाँ, अगर एक बेटर पोस्ट मुझे मिल सकती है, मैंने बेटर उसके लिए मेहनत की है, तो उसमें भी फिर कुछ मुझे नहीं पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे नहीं डीवी करवानी चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसकी भी डीवी करवाई अपनी। तो इसलिए अभी मेरे पास दो जॉब्स हैं, दोनों में से मुझे अब चूज करना है कि मैं कौन सी के साथ में जाना चाहूंगी। तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं किसके साथ में जाना चाहूंगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मेरी जॉब के बारे में बता देती हूँ। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है, पे लेवल 6 की। और जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब है वो पे लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की है। तो इनका सैलरी डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा। अब जो मेरे पास दो ऑप्शन थे, ये दोनों नौकरी मेरे हाथ में है। जो मेरी पीओ की ज्वाइनिंग है वो 3 से 4 महीने के बाद होगी, और जो मेरी दिल्ली पुलिस एसआई की ज्वाइनिंग है वो अभी 15 नवंबर को है। तो इन दोनों केसेस के अंदर दो ऑप्शन थे। एक तो ऑप्शन है कि मैं जब तक मेरी पीओ की ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है, मैं घर पे बैठ के आराम करूं 3 से 4 महीने, और मैं अपना घर पे जो भी चल रहा है उसी को कंटिन्यू करूं। दूसरा ऑप्शन था कि जो एक मेरी वन ऑफ द डिजायर्ड पोस्ट थी, जिसके लिए मतलब इतने सारे एफर्ट किए थे, उस लाइफ को मैं जी पाऊं, एटलीस्ट फील्ड में काम ना करके तो उस ट्रेनिंग को मैं इंजॉय कर पाऊं, या एक मतलब कह सकते हो एक्सपीरियंस ले पाऊं। तो 3 से 4 महीने में उसका एक्सपीरियंस ले लूँ, जैसे ही मेरी पीओ की ज्वाइनिंग आती है तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं स्विच कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है उसको चुना, कि मैं अभी अपनी जो ड्रीम एक टाइप से बोल सकते हो जो था, उसको अभी हमें अचीव करने का मौका मिला है, उसको पास में इतना जाने का मौका मिला है उस लाइफ के। तो मैं 3 से 4 महीने उस लाइफ को जीऊंगी, उसके बाद में अपना जब भी मेरी पीओ की ज्वाइनिंग आ जाएगी तो फिर मैं उसके ऊपर स्विच हो जाऊंगी। और पीओ की ज्वाइनिंग के ऊपर स्विच होने का भी बहुत ऐसे कंफर्म नहीं है अभी तक चीजें, क्योंकि अभी मेरा सीजीएल 2021 का रिजल्ट भी अवेटेड है, तो कुछ चीजें उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगी। तो अभी मुझे आपको इतना ही बताना था कि जो अभी मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ वो 15 नवंबर को अपनी दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग कर रही हूँ मैं।
इस चैनल का आगे क्या होगा, इसका कैसे प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किसी और वीडियो के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना आगे की आने वाली वीडियोज के लिए मेरे साथ। बाय बाय।